कल प्रदेश के राजगढ़ के ब्यावरा तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवपुरी से इलाज के लिए भोपाल जा रहे शर्मा परिवार के साथ लोगों की कार अचानक ब्रेक चिपक जाने के कारण गाड़ी पलटकर सूखी नदी में 3-4 पलटी खाती हुई नीचे जा गिरी थी, जिससे कार के गेट लॉक हो गए। तब तक वहां घायलों को बचाने कोई नहीं पहुंचा। तभी वहां गुजर रहे एक प्लम्बर बारिश खान ने मानवता का परिचय देते हुए फौरन अपनी मोटरसाइकिल मोड़ कर रोकी और नदी के नीचे पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त कार को देखकर उसके अंदर बुरी तरह से फंसे एक परिवार के साथ लोगों को भयभीत और दर्द भरी स्थिति में देखकर तुरंत अकेले ने ही किसी तरह गाड़ी को सीधा किया और गाड़ी के कांच तोड़कर गेट खोले और सभी घायलों को सकुशल बाहर निकाला। पुलिस को सूचना दी, हॉस्पिटल पहुंचाया था, जबकि वारिस खान द्वारा बचाव के दौरान कांच तोड़ने में हाथ में भी चोटें और खरोंच लगी है। वारिस खान के इस मानवता के कार्य को देखकर घायल मरीज के परिजनों ने, जो कि शर्मा परिवार से संबंधित थे, वारिस खान की प्रशंसा की और सभी की जान बचाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं जब इस घटना की पूरी जानकारी प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लगी तो उन्होंने भी कोई देरी ना करते हुए बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के मानवता का परिचय देने वाले इस बहादुर मुस्लिम युवक वारिस खान को हिंदू परिवार की जान बचाने के लिए 1,00,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया कल किया था। हाईवे पर अचानक एक कार जिसके ब्रेक चिपक जाते हैं, जिसके कारण से अंदर बैठे 7 लोगों की जान खतरे में पड़ती है, वो नदी में गिर जाती है। कार चार पलटी खाते हुए सूखी नदी में खंती में गिरती है। ऐसे में गेट लॉक हो गए और गेट लॉक खुलने पर सारे के सारे लोग एक तरह से उनकी जान पे बनाई। एक पास से गुजरने वाले शिवपुरी जवाहर कॉलोनी निवासी खास करके जगदीश शर्मा जी को हार्ट संबंधी बुधवार को उनको ले जाने के लिए ये लोग निकले हुए थे। ऐसे में उनका बेटा, बहू, छोटे भाई की पत्नी और उनके बेटे, 2 बच्चे, सब मिला के 7 लोग एक कार में थे। मुझे इस बात का संतोष है और ये बधाई के पात्र हैं। यहीं ब्यावरा निवासी प्लम्बर का काम करने वाले वारिस खान बाइक से अपने बच्चे के साथ जा रहे थे, उन्होंने वो कार जैसी पलटी खाई, वो अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल से पलटते हुए वापस कार के पास तक गए, कार को सीधा किया, कांच तोड़े। कांच तोड़ने के बाद लॉक उनने, अब चूंकि वो प्लम्बिंग का काम उनको आता था, तो उनने गेट भी खोले और गेट खोल करके सभी लोगों को अंदर से निकाला। ऐसे में 7 लोगों की जान बचाने का काम किया। मेरी अपनी ओर से वारिस खान को मैं बधाई देना चाहता हूँ जो उनने ये बड़ा काम किया है। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये काम बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसे में कष्ट के समय में हमको जरूर मदद करना चाहिए, यही मानवता है। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैंने इस वारिस खान को 1,00,000 रुपए के देने का इनाम की घोषणा भी की है। कलेक्टर राजगढ़ से कहा कि ऐसे मसले पे हमको पब्लिकली 15 अगस्त के दिन इसका सम्मान भी करना चाहिए। मैं पुनः आपसे अपील करना चाहता हूँ कि दुख तकलीफ कष्ट में हमेशा एक दूसरे के काम आते रहें। ऐसे लोगों से ही मध्य प्रदेश को गौरव मिलता है और हमारे अपने राज्य के साथ साथ देश का भी नाम होता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। क्या नाम है आपका? मेरा वारिस खान नाम है जी। क्या घटना हुई थी कल? मैं बीनागंज काम करने जा रहा था, उधर से ये गाड़ी आ रही थी, इसमें ब्रेक चिपके गाड़ी की और गाड़ी पलटी मारी। पलटी मारने के बाद गाड़ी वापस मैंने घुमाई, मेरी गाड़ी छोड़ के मैं इनको बचाना। आप कैसे थे? बाइक से। बाइक से थे जी। जी, फिर मैंने घुमा के गाड़ी मेरी पटक के फिर इनको बचाने चले गए। गाड़ी पलटी थी, बच्चे दबे थे जी। मैंने अपने हाथ से कांच फोड़ा, उन बच्चों को हेड़ा, हेड़ने के बाद गाड़ी मैंने सीधी करी अकेले। गाड़ी भी सीधी करी? हाँ, गाड़ी सीधी करके कि वो महिला थी, वो वजन था उनमें, वो भी हिट नहीं पा रही थी, उन्हें हेड़ा। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन लगाया, टोल से गाड़ी आई, एम्बुलेंस उसमें बिठाया, फिर उनको काम छोड़ के मेरा अस्पताल आया। अस्पताल में मैंने इनके ट्रीटमेंट दिया। तो आपके भी कोई चोट लगी क्या? मेरे ये हाथ चिराया था और मेरे ये कलेजियाँ लगी थी। जी जी जी।